कुक विद ज़ुबैदा खान के किचन में आप लोग का बहुत बहुत वेलकम। देखिए, आज हम लौकी के कबाब बनाने जा रहे हैं। हमने 1 किलो लौकी ली है, उसको ऐसे पीसों में काट लूँगी। देखिए, काटने के बाद हम कुकर में चढ़ा करके 4 प्रेशर दूँगी। देखिए, हमारी लौकी बॉयल हो गई है। देखिए, इसको ऐसे खूब अच्छे से मैश कर लीजिएगा। उसके बाद हमने पिसी हुई धनिया 2 चमचा, आधा चमचा लाल मिर्च को मैंने भून लिया है, आधा चमचा गरम मसाला, ये मैंने 10 चमचे भुना हुआ बेसन ले लिया है, ये देखिए हरी मिर्च है 1 कतरी हुई, और थोड़ी 1 इंच की अदरक है वो भी कतर ली है, 1 छोटी प्याज है ये कतरी हुई, ये देखिए कुछ हरी धनिया की पत्तियां हैं, ये भी महीन महीन मैंने काट लिया है, आधा चमचा ज़ीरा और आधा चमचा नमक। नमक डाल लीजिएगा, फिर आप टेस्ट कर लीजिएगा, कम हो तो और भी डाल सकती हैं। अब इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। देखिए, हम नॉन स्टिक पैन ले लिया, इसमें मैंने तेल डाला है, तेल देखिए हो गया है। अब हम इसमें कबाब को फ्राई करेंगे। ये देखिए, ये बहुत ही अच्छे होते हैं खाने में, आप लोग भी बनाकर इसको देखिएगा ज़रूर, खाने में बहुत ही अच्छे टेस्टी होते हैं कबाब। देखिए, एक तरफ हो गए, अब देखिए दूसरी तरफ हम इसको ऐसे ही लाल लाल से एकदम तल लेंगे। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में। ये देखिए, अभी इस तरफ भी ऐसे ही हो जाएंगे। अब देखिए मेरे गोल्डन फ्राई हो गए। अब देखिए इसको हम एक प्लेट में ऐसे इसको निकाल लेते हैं। देखिए, देख कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने क्रिस्प, कितने कुरकुरे बने हुए हैं लौकी के कबाब। ये देखिए कितने अच्छे हैं मेरे लौकी के कबाब। आप इसको पराठे के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए, नाश्ते में खाइए, खाने में खाइए, सब में भी खा सकते हैं आप। इसको बनाइएगा और बना करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये कबाब कैसे बने हैं। और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगली रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।